लाल जी तो बोल सच्चे अच्छे दरबार की जय। और भाई इस टाइम आ चुके हैं हम लोग कटरा के अंदर, आज हमारी अगस्त यात्रा। तो जिसको नहीं पता आज की वीडियो के अंदर प्रॉपर अगस्त की यात्रा का अपडेट देंगे और क्या कुछ आने वाला है ऊपर भवन पे, क्या कुछ चल रहा है, सारी यात्रा का अपडेट मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। बाकी आज हमारे साथ आए मुंबई से हमारे भाई, साथ में मयूर भैया, साथ में विनय भैया और जय जी। तो भाई सिस्टर भी आई हुई है। तो अभी हम चल रहे हैं अपनी डोरमेट्री में, डोरमेट्री बुक की हुई है तो जो हमारा निहारिया कॉम्प्लेक्स है डोरमेट्री बुक की है वहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा आरएफआईडी कलेक्ट अपना कार्ड कलेक्ट करेंगे हम लोग अपना आरएफआईडी काउंटर से। तो यात्रा में आगे बढ़ते जो कुछ सबको पेपर दिखाई जाए माता दी। सबको बताए कि यात्रा के लिए यात्रा आरएफआईडी का कार्ड का होना बहुत जरूरी है, इसके बिना यात्रा अलाउ नहीं होती। और ये आपको बस स्टैंड पे, आपको ओल्ड बस स्टैंड पे, न्यू बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे हर जगह आपको मिल जाता है। आप इसे जम्मू से भी ले सकते हो, न्यू तारागढ़ मार्केट पे आपको आरएफआईडी कार्ड लेने को मिल जाएगा। और जिसका आप कोई भी अपना आइडेंटी कार्ड शो करके अपना आरएफआईडी कार्ड ले सकते हो। जय माता दी कार्ड होता है और जो कि जिसे आपको अपने गले में वियर करके यात्रा करनी होती है। ये यात्रा के लिए बहुत अनिवार्य है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी। बर्गर किंग से देखोगे ना तो सामने कुछ ऐसा व्यू दिखता है, वो सामने आपको दिख जाए, सामने वाले पहाड़ पे तारागढ़ मार्ग और इधर यहाँ है हमारा सागर रत्ना, ठीक है। और उधर की तरफ आपको मिल जाएगा निहारिका कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपको डोरमेट्री वगैरह मिल जाती है। और अगर आपको आरएफआईडी कार्ड लेना है तो सामने आप लोग वहाँ से आरएफआईडी कार्ड कलेक्ट कर सकते हो, जिसका टाइमिंग होता है सुबह 5 AM से लेकर शाम के 10 PM तक ही आपको मिलता है। और सामने आपको इससे मिल जाएगा ऑटो का, किसी रेलवे स्टेशन वगैरह जाना है तो यहाँ से मिल जाता है, शिवखोड़ी जाना है तो वहाँ से कैब वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह कुछ व्यू रहता है। और हम आ चुके हैं अगस्त यात्रा पे, फिर से एक बार माता रानी का बुलावा आ चुका है। जय माता दी अपनी अगस्त यात्रा पे। सामने है मेरे निहारिका कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आज हम स्टे करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं डोरमेट्री बुक की हुई है ऑनलाइन मात्र 150 रुपये के अंदर 24 आवर का इसके अंदर स्टे कर सकते हो। तो 150 रुपये के अंदर अगर आप लोग वैसे भी आ रहे हो, अगर आपको होटल में स्टे नहीं करना, वैसे होटल बहुत सारे हैं, अगर आपको होटल में स्टे नहीं करना तो आप श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई इन जगहों पे आप इजीली रुक सकते हो, ये आपको मिल जाता है, आश्रय हो सकते हो। इसके अलावा निहारिका कॉम्प्लेक्स आपको रूम वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा त्रिकुट भवन मिल जाता है जहाँ पे आप वहाँ भी 150 रुपये डोरमेट्री में एसी नॉन एसी दोनों से मिल जाता है, वहाँ भी स्टे कर सकते हो। जय माता दी हमने मिल जाएगा इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन। अगर आप लोग ऑनलाइन डोरमेट्री या कुछ भी चाहते हो भवन पर रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर यहाँ से भी हेलीकॉप्टर या फिर आप डोरमेट्री टिकट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ देख लो शक्ति भवन मिल जाएगा, आपको आशीर्वाद भवन मिल जाता है जिसके अंदर आप ऑनलाइन अपनी डोरमेट्री मात्र 150 रुपये में बुक करके 24 आवर्स के लिए स्टे कर सकते हो। और इसके अंदर भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहें आप आशीर्वाद भवन ऑनलाइन बुक कर सकते हो। इसके अलावा पीछे आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग रूम वगैरह बुक कर सकते हो। सामने आपको भोजनालय मिल जाता है जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आप लोग खाना खा सकते हैं। आप लोग भी 150 रुपये पे करके इस तरह की डोरमेट्री ले सकते हो जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑथराइज रहता है और श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो। इस टाइम मैं हूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर शक्ति भवन के अंदर। तो मात्र 150 रुपये के अंदर आप इस पर 24 घंटे के लिए स्टे कर सकते हो, आज 10 बजे से ले कल 10 बजे तक आप यहाँ स्टे कर सकते हो। तो मैंने तो अपनी डोरमेट्री ऑनलाइन बुक कर ली थी। तो रुकते हैं, नहाते धोते हैं अपना, फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अपना आरएफआईडी कार्ड कलेक्ट करते हैं। और किसी को रूम वगैरह चाहिए तो सामने आपको यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाते हैं श्राइन बोर्ड तरफ, सब कुछ ऑनलाइन बुक होता है बट आप लोग फिर भी ऑफलाइन विजिट करके चेक कर सकते हो, क्या पता अगर अवेलेबल होता है तो आपको मिल जाएगा। जय माता दी। शेरावाली जीदा बोल साचे दरबार की जय। और इस टाइम हम आ चुके हैं अपनी अगस्त यात्रा पे, आज है 2 तारीख और आज का व्यू दिखाऊंगा कुछ मेरे बैक साइड कुछ ये व्यू रहने वाला है। और इस टाइम मैं हूँ फिस्किंग पॉइंट पे। यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप अपनी चेकिंग कराते हैं, आरएफआईडी कार्ड सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, यात्रा में आगे बढ़ते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, क्या कुछ रहने वाला वीडियो के अंदर, पूरा मॉनसून अपडेट आपको देने वाले आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, हर एक चीज आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ, कैसे क्या आप यात्रा कर रहे हो, पहली बार आ रहे हो आपको कैसे क्या करना है। तो यात्रा में आगे बढ़ते हो, जयकारा मां शेरावाली जीदा बोल साचे दरबार की। शाम के 5:53 आज 2 अगस्त और सामने माता रानी जी की पवित्र गुफा गर्भजून वहाँ रहने वाली है। फ्रिशिंग पॉइंट है, यात्रियों की संख्या पहले से कम हो चुकी है। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं और शाम के टाइम हम इसे यात्रा स्टार्ट करो क्योंकि इस टाइम क्या होता है थोड़ी सी आपको धूप कम मिलेगी, बॉडी में से डिहाइड्रेशन कम होता है, इसलिए आप यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। और देख लो पूरा रास्ता खाली पड़ा, श्रद्धालु संख्या बहुत ज़्यादा कम नॉमिनल रहने वाली है। तो
तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं, फिशिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं, आप सबसे आगे मिलते हैं। जय माता दी। फिशिंग पॉइंट हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है फिशिंग पॉइंट पे, तो आप कुछ भी ऐसा आइटम कैरी ना करो जो कि आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिले, और RFID कार्ड जरूर कैरी करना है साथ में, उसके बिना यात्रा नहीं होती। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हम जाएंगे आज ट्रैक वाले रास्ते से, स्टेयर्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे जने रहने वाले हैं जिसमें हम स्टेयर से कवर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ बड़े भैया भी हैं जो कि मुंबई से आए हुए हैं, तो इसलिए आज हम जो यात्रा करेंगे वो हम प्रॉपर में ट्रैक से करने वाले हैं। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं, माता रानी जी का नाम लेते हुए जय माता दी। तो यहाँ आपको गुलशन कुमार जी का लंगर मिल जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कर सकते हो, और जो टी सीरीज के ओनर थे गुलशन कुमार उनकी तरफ से होता है ये, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे ग्रहण कर सकते हो। और यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, अपना सारा डंडा हमने ले लिया है, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। यहाँ पे आपको दो रास्ते मिल जाते हैं, अगर आपको ताराकोट मार्ग से जाना है तो आप यहाँ नीचे जाके ताराकोट मार्ग में जाके जुड़ सकते हो, और ये जो रास्ता है हमारा पुराना रास्ता है, तो यहाँ से हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे अपने पुराने रास्ते से। सामने आपको चार्ट मिल जाएगा जहाँ से आप लोग पिट्ठू पाल की या घोड़े खच्चर की प्राइस देख सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप यहाँ से स्क्रीन पर लेके आप एग्जैक्ट प्राइस देख के आगे वो काउंटर मिल जाता है, सामने काउंटर है वहाँ से आप लोग बुक करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। जय माता दी। आपको मिल जाता है पिट्ठू पाल की बुकिंग काउंटर जहाँ से आप लोग अर्धकुंवारी तक, भवन तक, सांसद, हर जगह के लिए इजीली घोड़े, पालकी, खच्चर कुछ भी बुक कर सकते हो, और अपनी यात्रा जो पैदल करना चाहते पैदल कर सकते हो, बाकी घोड़े के थ्रू भी आप लोग अपनी यात्रा कर सकते हो। जय माता दी। आपको मिल जाएगी बाण गंगा, और यहाँ पे आप नहा धो के यात्रा में आगे बढ़ सकते हो, और जो बाण गंगा है, बाण गंगा का आपको कुछ बात बताऊं पुरानी, तो ये जो बाण गंगा, ये माता रानी ने बाण से प्रकट करी थी हनुमान जी को प्यास लगी थी जल ग्रहण करने के लिए, उसके बाद माता रानी जी ने यहाँ पे अपने केश धोए थे, तो इसलिए हम इसे बाल गंगा भी बोलते हैं और बाण गंगा भी बोलते हैं। तो ये महत्व रहता है हमारी बाण गंगा, पहले से पानी का फ्लो बढ़ चुका, आप सब लोग देख सकते हो श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हम जम भी चलते हैं, जल के छींटे लेते हैं, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। देख सकते हो बाण गंगा में पानी पहले से बढ़ चुका है और काफी स्पीड से आ रहा है, देखो आपने भी पुरानी वीडियो देखी, पानी का फ्लो पहले से बहुत कम हो चुका है, बट इस टाइम पे आपको पानी की क्वांटिटी अच्छी मिल जाएगी, तो हम भी चल के छीटे ग्रहण करते हैं, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। आप लोग देखते हो हम लोग यात्रा स्टार्ट करते हैं सीढ़ियों से, बट अब की बार यात्रा स्टार्ट करेंगे पूरे ट्रैक से, बीच में सीढ़ी अगर लगेगी तो ले लेंगे, वरना ट्रैक टू ट्रैक चलेंगे। आज हैं ट्रैक पे, कितना टाइम लगता है पहुंचने में, टाइम लगभग 6:30 करीब हो रहा है, यात्रा स्टार्ट कर दी है। जयकारा मशीरे वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। आपको दिख रहा है ये हमारा बाथिंग घाट नंबर 2, अगर आप लोगों को उस वाले घाट पे भीड़ मिलती है तो आप लोग यहाँ पे आके भी स्नान करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिल जाती है, आराम से अपने सामान रख के आराम से सामने देख लो, यात्री संख्या भी बहुत कम रहने लगी, श्रद्धालु की संख्या बहुत कम है पहले से, और आप लोग इजीली स्नान करके देख लो आगे गंगा मैया के पवित्र जल को ग्रहण करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। जय माता दी। 2023 में मैंने यात्रा स्टार्ट करी थी, माता रानी जी के पास पहली बार आया था ट्रैक से, और आज फिर 1 साल बाद आ रहा हूँ ट्रैक से। अभी अगस्त के महीने में दर्शन करने आना चाहते हो तो अभूत इस तरह की भीड़ मिलने वाली है माता रानी जी के भवन पे, और सामने आप लोग देख सकते हो श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कम है, बढ़ भी जाती है कम भी हो जाती है, चलता रहता है, और वीकेंड पे ज़्यादा रहती है, तो आप लोग वीकेंड पर आना अवॉइड करें, अगर आप लोग आना चाहते हो तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक का बेस्ट डे रहने वाला है। जय माता दी।
की ना एक अलग से बहुत ज्यादा खुशी होती है मन में, क्योंकि आपको पता है माता रानी उन्हें बुलाती हैं जिनका बुलावा आता है, वरना श्रद्धालु आने को कटरा भवन तक आने पर भी दर्शन नहीं कर पाते माता रानी जी के, और ये बात सच है। जय माता दी। पहुंच चुके हैं चरण पादुका जी। तो जिनको नहीं पता, यहाँ पे माता रानी जी के चरणों के निशान है। माता रानी जी ने यहाँ से मुड़ के पीछे की तरफ देखा था, तो यहाँ पे एक शिला पे माता रानी जी के चरणों के निशान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जाके माता रानी जी का आशीर्वाद लेके यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। पादुका से आगे आ चुके हैं और हमारे साथ में हमारी बहन। तो बहन पहली बार आई, तो बहन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो भाई ये पहली बार आई है, ये पहली बार आई है, और आपको पता है मैं तो हर महीने लगभग आता ही रहता हूँ। अब क्या माता रानी जी ने इसका बुलावा बुला ही लिया, 25-26 सालों में एक बार बुलावा आया है। मैं माता रानी से अरदास करूँगा कि बहन को जल्द से जल्द बुलाए। और सामने देख लो धुंध कुछ बढ़ती जा रही है, ठंड मेरे ख्याल से बढ़ जाएगी, क्या पता बारिश भी हो सकती है। जय माता दी। भैया जो कि आए हो मुंबई से, भैया आप कितने टाइम बाद आए हो? हम तो 12 साल बाद आए भाई। 12 साल होता है, और यहाँ पे क्या क्या चेंज हो गया? बहुत कुछ चेंज हो गया। जब पहले आए थे ऐसे ट्रैक था पहले? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था प्रॉपर। भाई देखो, ये देख लो। और भैया 12 साल बाद आए, माता रानी का बुलाओ 12 साल बाद आया है। ये लो जी। तो भैया कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है फिर आके? एकदम बढ़िया। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर कब आओगे? जल्दी। ये लो जी। साथ में हमारी बहन जी। जो श्रद्धालु संख्या पहले से काफी कम रहने वाली है, तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो अगस्त बहुत अच्छा टाइम है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। थोड़ी बहुत पिट्ठू पाल की चलती रहती है रस्ते में। जय माता दी। लोग स्टेयर्स भी ले रहे हैं ताकि माता रानी जी के भवन में जल्दी से पहुंचे, दर्शन करें। इंतजार नहीं हो रहा, माता रानी जी को मिलना है जल्द से जल्द। जय माता दी। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं गर्भजून, और एक दो ट्रैक और बचा है। बीच में स्टेयर्स भी ले रहे हैं, ट्रैक भी ले रहे हैं, दोनों चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि जो रास्ता जल्दी खत्म हो जाए और हम फटाफट से माता रानी जी के भवन पहुंचे, क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा और थकान थोड़ी बहुत हो गई, गर्मी लग रही है, बाकी मौसम ठंडा है थोड़ा बहुत। जय माता दी। मिल जाएगा इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जहाँ पे बहुत कम ही प्राइस के अंदर आप लोग कुछ भी खाना पीना खा सकते हो। मात्र 8 रुपए के अंदर चाय मिल जाती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको 45 रुपए राजा चावल कड़ी चावल मिल जाएंगे, सांभर वड़ा बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो यात्रा में आप श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए भोजनालय पे भी भोजन ग्रहण कर सकते हो। जय माता दी। पहुंच चुके हैं जी अर्धकुंवारी, और ये वाला ट्रैक है, सामने से मुड़ते के साथ ही हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। बहुत देर से इंतजार करते हुए फाइनली अर्धकुंवारी पहुंचने वाले। देखो वो ऊपर रहने वाली है, वो सामने माता की पवित्र गुफा गर्भजून। जय माता दी। लीजिए पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, सामने माता रानी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। पर्ची कटवाते हैं, देखते हैं, आज तो नंबर नहीं आया, कल नंबर आ जाएगा। और आपको यहाँ पे वेटिंग हॉल्स, डिस्पेंसरी, सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको अर्धकुंवारी में, जहाँ पे आप निःशुल्क दवाई, निःशुल्क स्टे कर सकते हो। और सामने माता रानी की पवित्र गुफा गर्भजून, अभी उसके अंदर लाइट नहीं चली, वरना बहुत अच्छी लाइटिंग चलती है। ये देख लो पूरा प्रोग्राम मीटिंग मिल जाता है। जय माता दी। अर्धकुंवारी पे सामने आपको भोजनालय मिल जाएंगे, इसके अलावा ये देख लो सामने सागर रत्न भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये चालू नहीं है। और उसके अलावा सामने देखोगे वहाँ पीछे, सामने आपको वहाँ मैकडे मिल जाएगा, वो मैकडे मिल जाता है। ये हमारा श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय है, जहाँ पे आप इजीली कम प्राइस में भोजन ग्रहण कर सकते हो। सामने बीकानेर वाला, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, नो ओनियन नो गार्लिक। तो आप भोजन ग्रहण करके यात्रा में हम भी आगे बढ़ते हैं भवन की तरफ। सामने मैकडोनल्ड्स, जहाँ पे आपको नो ओनियन नो गार्लिक मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप ताराकोट मार्ग से आ रहे हो, तो ताराकोट मार्ग पे भी आपको मैकडे मिलने वाला है, जहाँ पे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और प्राइजेस की बात करूँ तो वही नॉमिनल प्राइस है, 50 रुपए का बर्गर होगा और नॉर्मल व्हील आपकी 150 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह कुछ रहने वाला है। बाकी यात्रा में आगे बढ़ रहा है सामने अर्धकुंवारी जी, अभी बताऊंगा कहाँ से आपको स्लिप लेनी है, पर्ची लेते हैं, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और कल तक नंबर आ गया तो गर्भजून जरूर जाना है, क्योंकि हमारी दीदी गर्भजून नहीं गई है और पता नहीं दोबारा कब आएंगी, तो इसलिए एक बार गर्भजून को घुमा के ले आते हैं। जय माता दी। लोग देख सामने है
माँ अर्धकुआरी जी की पवित्र गुफा गर्भ सुन इधर वो कंबल मिल जाता है, बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। और अभी नंबर चल रहा है 460, तो टोकन लेके नंबर आता है, नंबर से प्रॉपर अंदर एंट्रेंस करते हैं और उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है, बेल्ट वगैरह नहीं कैरी करते, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वो मिल जाता है लॉकर जहाँ रख सकते हो। बाकी पीछे शारदा भवन में फ्री अकोमोडेशन आपको मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ सारे भवन आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन डॉर्मेट्री बुक करके इजीली स्टे कर सकते हो। जय माता दी नंबर 2, और यहाँ से आपको मिलती है गर्भ जून की पर्ची, आप यहाँ से ले सकते हो। पीछे आपको ब्लैंकेट का काउंटर मिलता है, आप ब्लैंकेट ले सकते हो। यहाँ से अपनी पर्ची लेते हैं, देखते हैं क्या नंबर में मिलने वाला है। जय माता दी जी। अभी चल रहा है सामने है 460 नंबर और हमारा है 673 नंबर, तो एक बार आके देखेंगे, अगर आते टाइम नंबर आ जाएगा तो हम यात्रा कर लेंगे गर्भ जून की, वरना फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम। जय माता दी। ते भवन की ओर, और टाइम हो रहा है रात के 10:30, भवन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से ये रास्ता हमारा हिमकोटी होते हैं तारागढ़ वाले मार्ग से जाता है, और इसको हाथीमथर मार्ग से जाना तो वहाँ से हो जाता है, बट वो थोड़ा सा लंबा और डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम जा रहे हैं तारागढ़ मार्ग से। जय माता। चुके हैं माता रानी जी की भवन की तरफ, और इधर से रास्ता जा रहा है भवन के लिए। हाथीमथे से चढ़ाई थोड़ी सी ऊँची पड़ती है, तो इसलिए मैं हमेशा यही रास्ता प्रेफर करता हूँ। अगर आप लोग भी आते हो तो आप इससे आ सकते हो, इसको बोलते हैं हिमकोटी मार्ग। अगर आप लोगों को अर्धकुआरी नहीं आना तो नीचे से रास्ता स्किप होता है, नीचे से अर्धकुआरी स्किप करके भी इस रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। और शायद अभी बैटरी कार की फैसिलिटीज अनअवेलेबल है, बाकी आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा जो भी फैसिलिटीज रहेगी। जय माता दी। हम लोग पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट पे, सामने है डोसा पॉइंट जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप लोगों को डोसा मिल जाता है। इसके अलावा सामने आपको भोजनालय मिल जाएगा जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप लोग इजीली भोजन ग्रहण कर सकते हो। ये रहा डोसा पॉइंट, हिमकोटी भी जब बुलाता है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी। यात्रा में आगे बढ़ते हुए और लगभग यहाँ से मेरे ख्याल से भवन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है भवन, और श्रद्धालु सिंह के पैलेस के मुख्य रात बढ़ चुकी है, थोड़ा हल्की हल्की ठंड होती है। सामने देखते हो, सामने भी अभी जैकेट कैरी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ठंड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखी हुई, साथ में रेनकोट जरूर कैरी करेंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पर ठंड हो जाती है। जय माता दी। सामने देख लो भवन बाजार से बस 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर बाद पहुँच जाएंगे माता रानी जी के भवन पर। ऊपर आपको दिख रहा होगा वो हमारा हाथीमथे वाला रास्ता है, और ये सामने हमारा ताराकोट वाला मार्ग जो कि हिमकोटी से आता है। तो यात्रा में आगे बढ़ते जय माता दी। तो इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती भवन में, तो पीछे मेरी माता रानी जी का भवन है, और हम लोग फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या लॉकर फुल हो चुके, तो हम चलेंगे दुर्गा भवन में जहाँ पे लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री एकोमोडेशन अवेलेबल होता है, अगर आप टाइम से आते हैं तो मिल जाता है, बाकी चलते अगर मिलता है तो ठीक है, वरना दर्शन करते हैं, नहा धोकर आप सबसे मिलता हूँ, तैयार होकर दर्शन करते हैं माता रानी जी के, और आप सबसे मिलते दर्शन करने के बाद। और अभी दर्शन के बाद हम से चलेंगे भैरव जी, क्योंकि रात में चलेंगे, पर हम हमेशा रोपवे से जाते हैं, पर अब की बार हम जाएंगे जो हमारा सीढ़ी का रास्ता उससे जाएंगे भैरव जी, तो नादो के आप सबसे मिलते हैं। जय माता दी। तो क्या ऑल सेट जा रहे हैं अपना सामान लॉकर रखने के लिए, यात्रा में आगे बढ़ते हैं, दर्शन करके आप सबसे मिलता हूँ। जय माता दी। मेरे दर्शन हो चुके कंप्लीट, आप लोग देख रहे हो माथे पर टीका लगने का मतलब है दर्शन हो चुका। दर्शन कैसे हुए बहन? बहुत ही बढ़िया भाई, पहली बार आए और बहन पहली बार आई थी, दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए, तसल्ली से बहुत प्यार से। बट अब थोड़ी देर बारिश आ रही है बाहर, तो भोजन वाले बैठ के वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे भैरव जी और मिलते हैं सबसे भैरव जी पे। जय माता दी। हमने मेरी माता रानी जी का भवन, उस टाइम हम निकल चुके हैं भैरव जी के लिए, क्योंकि जो रोप वे है वो कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, तो इस वजह से पैदल ही जाना पड़ेगा। और जो अगर आपको दिखाऊं उसकी लाइन, तो भाई वो देखो वो नीचे ये सारी लाइन है सिर्फ रोप वे की, तो इस वजह से टाइम बहुत कम है शाम को बस दिल्ली जाने की, तो स्टेयर्स चल रहे हैं, आगे चल के वापस कंटिन्यू कर देंगे ट्रैक से।
तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए चलते हैं भैरव जी, क्योंकि भैरव जी जाए बिना यात्रा रह जाती है हमारी अधूरी। तो वहाँ चलते हैं, भैरव जी के दर्शन करते हैं, आप सबको दर्शन कराते हैं। जय माता दी। हम लोग इस स्टेयर्स पे और सामने आपको माता रानी जी की पवित्र गुफा कह लो, देखो उस वाले जो पीछे रेड शीट वाला पोर्शन है उसके अंदर गुफा है माता रानी जी की, और ये हमारा रोप वे आता हुआ। जय माता दी। दिल्ली पहुँच चुके हैं भैरव जी, और सामने भैरव जी का मंदिर रहने वाला, तो फटाफट चलते हैं दर्शन करते हैं। और अगर आप लोग भी वैष्णो देवी आते हैं तो भैरव जी दर्शन जरूर करें, क्योंकि इनके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है, और दर्शन करने के पश्चात घर जाके कन्या पूजन करके ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जो यात्रा है तभी संपूर्ण मानी जाती है। तो फटाफट से दर्शन करते हैं, और मौसम आपको दिखाऊं तो कुछ ये देख लो, हर जगह धुंधी धुंध हो रखी है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कुछ विजिबल है। तो ये यात्रा का अपडेट रहने वाला है। भवन पर थोड़ी ठंड भी, बारिश भी, हर एक चीज़ है। तो साथ में आप लोग अपने रेनकोट वगैरह हर एक चीज़ कैरी करो। बाकी धुंध देख लो, बिल्कुल भवन नहीं दिख रहा, इधर देख लो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जय माता दी। यात्रा हो चुकी है संपूर्ण, दर्शन कर लिए भैरव जी के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ से भी आप लोग कटरा अगर आपको जाना है यहाँ से हरिद्वार जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने रोपवे बुक किया है तो रोपवे की टिकट से वापस आप नीचे भवन उतर के वहाँ से सीधा ताराकोट मार्ग से होते हुए डायरेक्ट नीचे भी जा सकते हो। जय माता दी। चाहे मैं हूँ भैरव जी पे, और आप देख सकते हो हल्की हल्की बारिश आने आ रही है, हल्की हल्की बारिश आप देख सकते हो। आपको दिखा रहा हूँ फोन की डिस्प्ले, देख लो हल्की हल्की बारिश आ रही है, और सामने पूरा भवन छुप चुका है। कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है आज का, और लाइव मॉनसून अपडेट आपको दे रहा हूँ। ये देख लो भवन पूरा का पूरा छुप चुका है, ये देखो। तो ये कुछ अपडेट रहने वाला यात्रा का। तो इसी के साथ यात्रा एंड करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने घर की तरफ। अगले महीने फिर से मिलेंगे, और बाकी अगर वीडियो अच्छे लाइक शेयर करना ना भूलें। जय माता दी। तो इस टाइम उतर रहे हैं नीचे, और लगभग अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं, और शाम की है बस, तो बस में चलेंगे। और देख लो आज ना वीकेंड है, सैटरडे आज, तो श्रद्धालुओं की संख्या कल से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, तो आप लोग दिन में यात्रा कर सकते हो, वरना अगर दोपहर के टाइम पे दिन में यात्रा करोगे तो बड़ी दिक्कत होती है, तो उसे अवॉइड करें। शाम के टाइम यात्रा करो ज़्यादा बेस्ट है, और ऊपर अपने जब प्रॉपर बुक करके आओ तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय माता दी। तो ये आप देखोगे, ये रास्ता है अर्धकुंवारी के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग अर्धकुंवारी होके आ चुके और आप स्किप करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। ये रास्ता ऊपर ला सीधा अर्धकुंवारी जा रहा है, पीछे भवन, और सीधा साधा हमारा कटरा के लिए। और जिसको ताराकोट मार्ग से आना है तो वो लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाके ताराकोट मार्ग ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, टाइम लगता है, तो इस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बाकी ये जो हमारा रास्ता है ये ईजी रहता है, यहाँ से ईजिली जा सकते हो। जय माता दी। लो जी फाइनली पहुँच चुके हैं चरण पादुका, सामने माता रानी जी के पवित्र स्थान। आपने स्टार्टिंग में देखोगे मैंने आपको अंदर की हर एक चीज़ दिखाई हुई है वीडियो के अंदर। तो फटाफट चलिए नीचे उतरते हैं, ये बढ़ते हैं घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं, नीचे मिलूंगा आप सबसे। तो फाइनली जी यात्रा हो चुकी है संपूर्ण, इस टाइम मैं आ चुका हूँ बाणगंगा पे, सामने आप लोग देख सकते हो। और ये देख लो हाल, रोड का हाल भाई, मतलब कि बारिश हो रही है भाई, घोड़े वगैरह चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा किचकिच हो रखी है। और साथ में रेनकोट जरूर कैरी करो अगर आप लोग आ रहे हो। और बाणगंगा में पानी का जो स्तर है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये देखो पहले स्तर बढ़ चुका है। तो आगे चलते हैं, अपना RFID कार्ड जमा कराते हैं और निकलते हैं दिल्ली की तरफ। जय माता दी। तो फाइनली जी यात्रा हो चुकी है संपूर्ण, और टाइम आ चुका है RFID कार्ड को कलेक्ट करने का। तो यात्रा पश्चात जो भी RFID कार्ड होता है वो यहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है। अगर आपने खो दिया कुछ भी होगा, उसका फाइन होगा, वो आपको पे करना पड़ता है। तो कार्ड जमा करते हैं, निकलते हैं बाहर। जय माता दी। तो यात्रा हो चुकी है संपूर्ण, कितना टाइम में यात्रा पूरी हो गई? 24 घंटे में हमने पूरी यात्रा संपन्न कर दी, उसमें हमने रेस्ट भी ली है, नाश्ता भी लिया है और लंच भी किया है। भाई डोरमेट्री में भी रुके हैं, और भैरव जी पैदल गए थे वहाँ से रोपवे में भी, बहुत सारा एंजॉय किया है हमने। येल्लो जी, तो पूरा ब्लॉग जरूर देखें। और यात्रा पूरी एंड करते हैं, आज की वीडियो वाली खत्म होने वाली, और ये वाली अगस्त यात्रा हमने कंप्लीट कर ली एक साथ। अगले साल अगले महीने आएंगे फिर दोबारा से अगली यात्रा के साथ। जयकारा मशेरे वाली जी, तो बोलता जय।